हाय नमस्कार, मी अतिशा लाड, राजश्री मराठी शोबजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. तर 8 मे मदर्स डेच्या निमित्ताने एक खास व्यक्ती माझ्यासोबत आहे. आपल्या सर्वांचा लाडका जयदीप म्हणजेच मंदार जाधव याची वाईफ माझ्यासोबत आहे, रितिका जाधव. हाय नमस्कार, मी मितिका जाधव अँड दीज आर माय ब्युटिफुल किड्स रिदान अँड रेहान. रिदान से हाय टू एव्हरीवन. हाय टू रिहान अँड रिदान. से हाय. से हाय. हॅलो. हॅलो. सो घर पे भी ऐसा माहौल होता है क्या? मतलब कसं असतं वातावरण एकंदरीत? मस्ती जास्त नॉटी कोण आहे दोघांपैकी? दोनों ही नॉटी है ऍक्च्युअली. दोनों एक दुसरे को कॉम्पिटिशन देते आई विल से, बट या रिहान इज मोर नॉटीअर देन रिदान. एक आई आणि खूप चॅलेंजिंग आहे. आई असणं खूप चॅलेंजिंग आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष द्यावं लागतं. सो हाऊ डू यू मॅनेज? कसं मॅनेज होतं हे सगळं घरात? यू नो पर्सनली आय फील वी वुमेन्स वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग एंड वी आर लाइक वंडर वुमेन्स, वी कैन से यू नो मल्टी टास्किंग वी आर. यू नो आप घर का काम भी कर रहे हो, आप घर बाहर भी जा रहे हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो, आप हस्बैंड को भी देख रहे हो, प्लस आप रिलेटिव्स को भी देख रहे हो. सो वी आर लाइक मल्टी टास्किंग, वी आर स्ट्रांग. एंड इन सबसे ऊपर उठ के भी जो आप थकते हो, रात को सोते हो, बच्चा बोलता है नो मम आई नीड दिस, सो यू जस्ट वेकअप एंड डू हिज फुलफिल हिज फरमाइश, यू नो. सो अपन असं नेहमी म्हणतो की अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, फिर जो बेबी को देखती है, जो एक्सपीरियंस, जो खुशी होती है एक माँ को, क्या क्या था एक्सपीरियंस आपका ये? यू नो व्हेन रिदान बॉर्न, रिहान बॉर्न, आई फील द सेम. आई आस्क्ड माय डॉक्टर कि डॉक्टर व्हाट, बिकॉज माइंड वाज सिजेरियन बोथ ऑफ देम. सो डॉक्टर लाइक बॉयज, बॉय हो या जेंडर आई डोंट केयर, यू नो मदर इज मदर, यू नो उसके लिए मदर के लिए नो लड़का हो चाहे लड़की दोनों ही इक्वल है. सो व्हेन शी सेड बॉय, बॉय तो छोड़ो, वो बच्चा जो था ना कि योर बेबी इज आउट नाउ, तो फर्स्ट जो आंसू था एंड मंदार वॉज कंसोलिंग बिकॉज मंदार वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक वाओ व्हाट अ फीलिंग, यू नो. सो एका आईला ना त्यांचे वडीलसुद्धा कंप्लीट करतात. द जो माँ के साथ साथ जो फादर का भी ड्यूटीज है, दैट कंप्लीट्स अ मदर. सो व्हाट विल यू से अबाउट मंदार? एवरी वन नोज इज बेटर देन मी ऑलवेज. मंदार जितना बच्चों के लिए करता है और बच्चे मंदार के साथ जितना खुश होते हैं, वो मेरे साथ इतना खुश नहीं होते. सो दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे वेट फॉर मंदार कि मामा पापा कब आएंगे, मामा पापा कब आएंगे, अच्छा पापा आगे चलो लेट्स गो डाउन, लेट्स गो डाउन. दे आर दी फ्रेंड्स, यू नो. एंड मंदार इज he spoils my kids, you know. I'm strict in a ways but he is not. Kisi ko to strict hona padta hai. I am very particular about my kids. To matlab khane mein kiske nakhre hote zyada Ridhan Rihan mein? Tachur by the grace of god no. Mere ghar pe no ghar ka khana dal chawal roti sabzi, they didn't even taste yet pizza. For them pizza is roti only. बिकॉज आई नो कि दिस इज़ द राइट एज, यू नो, कि जहाँ मैं इनको घर का न्यूट्रिशन फूड दे सकती हूँ. बाहर का तो ना लाइफ टाइम खाना ही है, लाइक हाउ वी आर, नो वी ईट लाइक, बट आई अवॉइड टू गिव देम. सो मंदारचं मोस्टली सीन्स शूटमध्ये बिझी असतो. सो हाऊ डू यू मॅनेज ॲट होम बिईंग अलोन ॲट होम विथ किड्स? नो आय एम नॉट अलोन, माय फॅमिली इज देअर, माय इन-लॉज आर व्हेरी सपोर्टिव, सो आय डोंट थिंक सो इज अ बर्डन फॉर मी, नो. तर मुलं तुमच्याशी जास्ती, आता तुम्ही म्हणलात की मंदार सोबत जास्ती मस्ती करतात ते लोक. सो आय वुड लाईक टू आस्क की मतलब जेव्हा हे मंदारला ही जेव्हा मालिका मिळाली सुख म्हणजे नक्की काय असतं, आणि त्यानंतर त्याचे सततचे सीन सुरू होते. सो एकंदरीत त्यांचा तुमचा बॉन्ड मुलांसोबत जास्त छान त्यावेळेला जमला असेल, तर मुलं किती मिस करतात मंदारला घरी? आय कॅन से जब मंदार को ये शो मिला और मंदार बहुत मतलब ही इज़ अ लीड एंड ही वॉज देयर इन एवरी सीन्स, यू नो, एंड ही यूज़ टू बी देयर. एंड जब बच्चे मिस करते थे तो आई यूज़ टू टेक देम हियर, मैं उन्हें यहाँ लेकर आती थी कि ठीक है पापा घर पे नहीं है पर पापा सेट पे है, लेट्स गो. सो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे मंदार को बहुत ज़्यादा मिस किया उन दिनों, क्योंकि मंदार के साथ सेट पे ये भी होते थे. सो अभी आई गेस रिधान कितने साल का होगा? रिधान इज 5, राइट? एंड रिहान इज टर्निंग 3 नेक्स्ट मंथ. तो तुमचा 5 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे मदर्स डेचा, तो फ्रॉम द बिगिनिंग आणि आत्ता 5 वर्षांपर्यंत मदर्स डे कसा सेलिब्रेट होतो तुमच्या घरी? मेरे घर में मदर्स डे, वी जनरली मंदार गेट्स अ केक फॉर मम्मा, फॉर मदर इन लॉ एंड फॉर मी, सो वी बोथ कट द केक. हम 5 साल से हमारा रिचुअल है, यू नो,
कि सब मेंस खड़े होते हैं, बॉयज स्टैंडिंग एंड मैं और मामा भी, लाइक वी फील सो स्पेशल दैट डे, यू नो वी गेट्स अ गिफ्ट यू नो फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स लाइक मंदार, मेघन, पापा. सो वो पैम्पर करते हैं हमें, इट्स जस्ट अ जेस्चर, इट्स अ थैंक यू, बट दिस इज नॉट अ ड्यूटी, दिस इज, ये हमें करना ही है, ये हमारे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. दो वी हैव अ हाउस हेल्प, बट आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो माय हाउस हेल्प, बट या आई एम लविंग इट. तर म्हणजे आईच्या ड्युटीज ज्या असतात, मुलांची काळजी घेणं हे सगळं आलंच, अभ्यास घेणं त्यांचं, तर त्याच्यामध्ये मी विचारेन की अभ्यासामध्ये कोणाला जास्त ओरडावं लागतं दोघांपैकी, कोण आणि कोण जास्त चांगलं ऐकतं अभ्यास करायला? रिदान, रिदान. आणि तुम्ही कसं स्वतःला मेंटेन करता ह्या सगळ्या ड्युटीज सांभाळून? यार मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन होती नहीं है. अगर बच्चे 9 बजे उठेंगे तो आई हैव टू गेट अप एट 5 बिकॉज आई हैव टू गो टू द जिम और मे बी हैव टू डू द योगा और एनीथिंग एल्स यू नो, बिकॉज मुझे अपने लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है. रात को लेट सो गए तो फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठना है बिकॉज मैं क्रिब नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो सारे काम करने ही अपने शेड्यूल में. सो आई मेक अ शेड्यूल कि यू नो आई हैव टू गेट अप एट दिस टाइम, आई हैव टू डू दिस, बिकॉज अब बच्चों की कोई चीज़ सफर नहीं होनी चाहिए. राइट. तर हे सगळं ना म्हणजे जेव्हा तुम्ही आई झालात आणि तुम्ही तुमच्या आईकडनं काहीतरी गोष्टी घेतल्या असतील, सो काय अशा गोष्टी होत्या तुमच्या आईकडनं तुमच्यामध्ये आल्यात आणि तुम्ही काय त्यांच्यामध्ये बघून शिकलायत की आय वॉन्ट टू बी लाईक हर? मम्मी से बहुत अच्छी चीज सीखी थी, पराठे बनाना, बिकॉज आई यूज टू लिव अलोन, आई हैव हेल्प यू नो फ्रॉम द माई नेटिव प्लेस. व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरी शादी हुई तो उसके लाइक 3 मंथ्स में माई मदर पास्ड अवे, शी वॉज नॉट वेल. सो मम्मी और मेरी बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाई थी उन लास्ट 3 मंथ्स में. बट हाँ, शादी से पहले मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि यू नो जब शादी होगी कुछ ना आए, एक रोटी बनानी आनी चाहिए. सो आई आस्क यू हाउ यू मेक यू नो, बिकॉज माई मदर ऑल्सो डिडंट कुक, नेवर कुक्ड, बिकॉज वी वर हैविंग लाइक कुक्स एट होम. सो शी वॉज लाइक मैं फ़ोन पे सिखाती हूँ, शी टोल्ड मी एंड आई मेक द सेम वे, शी टोल्ड शी टॉट मी यू नो, आई मेक इट द सेम वे एंड रिदान एंड रेहान दे लव यू नो मेरे हाथ की रोटी. दैट्स या दैट इज़ अ लव, या दैट इज़ अ लव आई कैन से यू नो माई मदर ब्लेस मी एवरी डे विद दिस. सो रिदान, आप क्या कहोगे मम्मी के बारे में? मम्मी क्या क्या अच्छा अच्छा खाना बनाती है, है ना? नहीं बनाती. व्हाट आपको क्या पसंद है मम्मी के हाथ का बना? ओह, मम्मा ने भी वही बोला, रिदान लाइक्स रोटी. रियान, आप आया, व्हाट डू यू लाइक? टेल द कैमरा. चिकन लॉलीपॉप. चिकन लॉलीपॉप. हू मेक्स चिकन लॉलीपॉप फॉर यू रिदान? सो अभी जैसे उन्होंने बोला कि वो भी रोटी प्रेफर करते हैं मम्मी के हाथ का एंड चिकन लॉलीपॉप बहुत कुछ बोलते हैं. मंदार चिढ़ जाता है, कितनी रोटी खिलाती है यार, दे ईट लाइक अ काउ. ये ब्रेकफास्ट में भी रोटी खाते हैं, ये दोपहर में भी रोटी खाते हैं, रात को भी रोटी खाते हैं. गिव देम समथिंग एल्स यू नो, एंड आई वाज लाइक दे आर एडिक्टेड नाउ यू नो, आई कांट चेंज. सो एक अच्छी म्हणजे ही चांगली गोष्ट की दे प्रेफर रोटी मोर देन पिझ्झा. घर का खाना यार. रिहान, यहाँ पे आओ. तो आप क्या कहोगे मम्मी के हाथ का, आपको क्या पसंद है? मम्मा क्या बनाती है? रोटी. रोटी बनाती है. तो मदर्स डे पे आप मम्मी को आप मदर्स डे विश करो. हैप्पी मदर्स डे बोलो. हैप्पी मदर्स डे. आप क्या करोगे? थँक यू सो मच मितिका आमच्याशी बोलल्याबद्दल. खूप काही जाणून घेतलं फॅमिलीबद्दल एकंदरीत. अँड हॅपी मदर्स डे टू यू ऑल्सो बिंग अ मदर. थँक यू सो मच. आय एम विशिंग एव्हरी मदर जो ये सुन रही है, जो देख रही है, मदरहुड इज अ ब्यूटिफुल थिंग यू नो, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है. आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आ रहा है अपने बच्चों के साथ. हैप्पी मदर्स डे टू एवरी वन. थँक यू सो मच मितिका. थँक यू सो मच.